Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories near old auto office Mahbub Nagar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं आपका भाई मोहम्मद तकीउद्दीन बैतल खैर फाउंडेशन महबूब नगर. जैसा कि आप सब जानते हैं, तमाम हिंदुस्तान भर में, वैसे तो सारी दुनिया में, लेकिन अभी हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस की वबा छाई हुई है. ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, आप सब जानते हैं. इसी ज़मान में कर्फ्यू, सारे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगे हुआ है पिछले कुछ दिनों से. तो इसी ज़मान में बैतल खैर फाउंडेशन महबूब नगर की जानिब से गुरबा में और हॉस्पिटल्स के तरफ रोड साइड फूड तकसीम किया जा रहा था पैकेट्स के शक्ल में. लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और भी महबूब नगर के बहुत से भाई लोग हैं जो सोशल वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे तैयब शवर साहब, जुनेद फ़हीम और हमारे शाहसाबगुटे से एजाज़ भाई, ऐसे बहुत से लोग हैं. अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग तकरीबन खाना तकसीम कर रहे हैं, जिससे गुरबा को बहुत आसानी हो रही है, तीन वक्त का खाना मिल रहा. तो बहरहाल इसी ज़मान में हम लोग खाने का इंतज़ाम छोड़ते हुए कुछ और चीज़ का इंतज़ाम कर रहे हैं, जिसमें वेजिटेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल राइस और जो भी दीगर अशिया जो रोज़मर्रा की खाने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है गरीब मसाकिन को, उनके लिए हम इस चीज़ का इंतज़ाम कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ दो क्विंटल के ऊपर चावल लग रहा है और एक एक क्विंटल हर किस्म की तरकारी इसमें हम मुहैया कर रहे हैं गरीब आवाम के लिए. जो मिसाकीन है मेरे भाई, आप लोग सबसे पहले मिस्कीन का ख्याल करिए. फ़कीर फ़खरा जो है वो मांग कर खा सकते, गरीब मिस्कीन जो है वो मांग कर नहीं खा सकता. वो भूखा रहना पसंद करेगा लेकिन मांगना पसंद नहीं करेगा, तो वो मांग कर नहीं खा सकता. तो हमारा फ़र्ज़ है, हम मालदार का, हम साहब इस्तेताद का, जो भी जिसको भी अल्लाह ने नवाजा है, हमारा फ़र्ज़ है कल महशर में हम सबको जवाब देना है. हम सबको चाहिए कि हम हमारे मोहल्ले के, हमारे महबूब नगर के, और अब तो गांवों से भी जो है फ़ोन आने लगे हैं कि हमारे यहाँ खाने को खाना नहीं है, तरकारी नहीं है. इस तरह के कॉल्स गांवों से भी अभी आ रहे हैं हम लोग को. हमारी बैतल खैर फाउंडेशन की तरफ से, हम सब भाइयों की तरफ से तकरीबन आवाम को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग इस तरह के जो भी खैर के काम कर रहे हैं उन सबका साथ दीजिए, भरपूर ताउन करिए. और ख़ासकर बैतल खैर फाउंडेशन का, जो मसाकीन के घरों में वेजिटेबल डेली रोज़ाना एक दिन का पूरा तीन वक्त का तरकारी, दाल, चावल ये मुहैया तकसीम की जा रही है, हमारी आप सबसे मदन गुजारिश है. आप लोग बैतल खैर फाउंडेशन को भी ताउन कीजिए, साथ में और जो भी हजरात हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं उन सबको भी आप आपका ताउन कर सकते हैं. और एक बात मैं ख़ासकर ये कहना चाहूँगा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो लोग बाहर निकल रहे हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि वो लोग अपने घरों में बैठिए. हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं. हम सबको चाहिए कि हम हुकूमत का और पुलिस डिपार्टमेंट का और मेडिकल फील्ड डॉक्टर्स का जो भी है उन सबका साथ देते हुए इस कोरोना वायरस से बचने की कोशिश की जाए. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. मैं आपका भाई मोहम्मद इम्तियाज़ अली, बैतुल खैर फाउंडेशन की तरफ से हम लोग फ़र्स्ट टू डेज़ जो है ना फूड दिए थे गरीबों में, सारे महबूब नगर में तकसीम करे. और अब उसके बाद से जो है ना वेजिटेबल्स, राइस वग़ैरह, दीगर अशिया घरों में तकसीम कर रहे हैं सारे महबूब नगर में. और काफ़ी हजरात हमारे साथ मिले हुए हैं भाई, हमारे सब लोग, हम सब लोग महबूब नगर में जिधर जहाँ पर भी गरीब गुरबा मसाकिन लोग हैं उन तक जो है ना ये वेजिटेबल्स, राइस वग़ैरह सारे अशिया लोगों तक पहुंचा रहे हैं. और हमारे इस काम में जो है ना सबसे ज़्यादा हमारे लीडर, हमारे भाई मोहम्मद तकीउद्दीन साहब बहुत अच्छा काम स्टार्ट करे ये, जिससे हम लोगों को भी हिम्मत अफज़ाई हुई, जो हम लोग इनके साथ मिलकर ये बैतुल खैर फाउंडेशन में हम लोग जुड़कर सब मिलकर जो है ना काम कर रहे हैं. अस्सलामु अलैकुम. मैं मोहम्मद अयाज़. आज जो मुल्क के हालात हैं करोना के पेश नज़र, मुल्क के जो हालात हैं गुरबा और मसाकीन में, बैतुल खैर फाउंडेशन की तरफ से जो है ना ये वेजिटेबल राइस जो है पूरा सामान का किट जो है ना बनाकर पैकेट तकसीम किया जा रहा है. इसका मकसद ये है कि हम सामने आने का जो भी जो है ना साहिब इस्तेआत हैं वो जो है इस काम में आगे बढ़ें, जो है जो इस वर्क को अंजाम दे रहे हैं और दूसरे भी इसको अंजाम दे रहे हैं हमसे रابطہ करें, हमारे फ़ोन नंबर, हमारे नंबरात पर फ़ोन करें, हमसे रابطہ कर जो है ना इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें. अस्सलामुअलैकुम.
शताब्दी टाउनशिप की एक और नई पेशकश सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड लग्जरी गेटेड कम्युनिटी के शंपेट डीटीसीपी अप्रूव लेआउट के साथ 500 फीट रीजनल रिंग रोड से लगा हुआ माचरला फार्मासिटी के करीब तमाम डेवलपमेंट्स के साथ 3700 में एक गज 147 गज के प्लॉट्स भी दस्तियाब हैं। सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड टाउनशिप मल्टीनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाइए और सिल्वर स्प्रिंग ग्रैंड प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाइए।